Hey guys, welcome back with new video. And दोस्तों ये वीडियो है स्पेशली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कुरियर की. एंड दोस्तों जो मेरे होलसेलर और मैन्युफैक्चरर जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो ऑर्डर लेने में काफी बार डरते हैं इंटरनेशनल की पार्सल जाएगा कैसे और कौन भेजेगा अपने रिस्क पे. तो यहाँ पे सर जी खड़े. सर जी वेलकम मेरे चैनल के लिए. आपका नाम क्या पहले हमारे आपका नाम बताइए. मेरा नाम मोहम्मद अर्शद अली है जी. और आपके ब्रांड का नाम. मेरे कंपनीज का नाम एयर इंटरनेशनल कुरियर एंड कार्गो है. ओके तो आप डोमेस्टिक भी करते हैं तो डोमेस्टिक में क्या रेट होगा फिर भी एग्जांपल. डोमेस्टिक में जैसा वेट के ऊपर डिपेंड करता है. मिनिमम हमारा 35 रुपीज पर केजी से स्टार्ट होता है. अगर आपके पास वजन ज्यादा है 50 केजी के अबव रहता है तो ऑल ओवर इंडिया में 35 के पर केजी पड़ेगा आपको. ओके 40 रुपीज भी पड़ता है. डिपेंड करता है कि वो सिटी कौन सा है. और पैकिंग वगैरह कैसे होता है. फ्री ऑफ पैकिंग वगैरह सब फ्री है. और प्लस आपको है ना पैकिंग चार्जेस वगैरह कोई भी लोग लेते हैं 100 200 250 रुपया जी उसमें आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा. प्लस पिकअप भी फ्री है. जैसे आप मतलब मुंबई में कहीं भी कोई भी अगर मेरे क्लाइंट है जैसा मेरे मैन्युफैक्चरर है होलसेलर है अगर वो भी माल भेजना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके मतलब आपका बंदा जाके पूरा पैकिंग भी करेगा और फिर यहाँ पे लाके माल भेजेगा तो पूरा पैकिंग वगैरह सब लड़का आपके सामने में आके करता है. कस्टमर के पास जाता है लड़का बॉक्स लेकर जाता है पैकिंग करता है सामने में टेपिंग वगैरह और ऐसा टेपिंग करेगा कि वो पूरे मार्केट में मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी वैसी टेपिंग नहीं करेगी. आप बॉक्स फेंक भी दोगे तो भी वो फटने वाला नहीं है. बहुत बढ़िया. तो दोस्तों देखिए कुरियर में क्या क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा पूरी वीडियो में डिस्कस करते हैं. और यहाँ से अभी फिलहाल कौन कौन सा पार्सल जा रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. सो गाइस अगर आप चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथ ही साथ इंस्टाग्राम ट्विटर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं. सो गाइस सबसे बेस्ट कि आप मुझे डोमेस्टिक का बहुत पूछ रहे थे तो डोमेस्टिक के लिए सर जी यहाँ पे आप लोग के लिए अवेलेबल है. डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी है साथ ही डिस्प्ले पे सर जी का नंबर मिल जाएगा तो आप डायरेक्टली इनसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसा भेजना है कहाँ भेजना है क्या करना है क्या चार्जेस है आपको पूरा बता देंगे. सो गाइस चलिए शुरू करते हैं. आप पैकिंग में क्या क्या यूज करते हैं हमारे व्यूअर्स को जरा बताइएगा. मतलब पैकिंग आप कैसा करते हो. पैकिंग के लिए सबसे पहले तो बबल वगैरह हमारा अगर किसी का कांच का आइटम है जैसे क्रोकरीज वगैरह रहता है बहुत सारे शीशे के आइटम रहते हैं जिसको लोग पैकिंग सही से नहीं कर पाते. ओके उसमें नॉर्मली हम लोग बबल वगैरह यूज करते हैं वो भी आप अपने पैसे का लगा अपने पैसे का यूज करते हैं. प्लस थर्माकोल यूज करते हैं. ओके थर्माकोल प्लस ये आपका बॉक्सेस वगैरह भी रहता है मजबूत बॉक्सेस हम लोग यूज करते हैं. आप देख सकते हैं कितना ये 4 लेयर का बॉक्सेस रहता है. ओके 4 लेयर के बॉक्सेस यूज करते हैं जो कि कोई नहीं यूज करता है. एक बॉक्सेस कम से कम 100 रुपीज का आता है वो भी लेकिन आप फ्री में कर देते हैं करके देते हैं. और डोमेस्टिक में आपने जैसा कहा 35 रुपीज से रहेगा 35. तो डोमेस्टिक में हम क्या क्या भेज सकते हैं. डोमेस्टिक में कुछ भी भेज सकते हैं. नॉर्मली आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा डोमेस्टिक में बता दीजिए इसमें क्या आइटम है. जैसे हाउस होल्ड आइटम है आप बताएंगे. इनवाइस वगैरह भी सब हम लोग बना के कर देंगे. ओके आपको कोई बिल वगैरह बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी डोमेस्टिक में. ओके और इंटरनेशनल में कैसा रहेगा. इंटरनेशनल में जैसे अभी शिपमेंट आप जैसे कहीं भी भेजते हैं सिंगापुर वगैरह जैसे अभी सिंगापुर जा रहा है तो आप ये शिपमेंट भेजते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लोग मानते हैं कि ये बनाना पड़ेगा आपको. वो भी हम सिर्फ आपका आधार कार्ड लगता है इंटरनेशनल भेजने के लिए. ओके कोई भी इंटरनेशनल कहीं से भी आप भेजते हैं आधार कार्ड आपको लगता जी. है तो इंटरनेशनल में क्या क्या प्रोडक्ट जा सकता है और क्या क्या प्रोडक्ट नहीं जाता है वो तो बेसिक सा क्वेश्चन है. इंटरनेशनल में आप जो चाहे भेज सकते हैं बट सिर्फ आपको जैसे नॉर्मली बहुत सारे आइटम्स रहते हैं जो बैंड आइटम है वो आप नहीं भेज सकते हैं. जैसे टोबैको हो गया. ओके लिक्विड भी जाएगा बट नॉर्मली कौन सी लिक्विड डिपेंड करती है. जैसे आप शैम्पू वगैरह भेजते हैं वो आपका जाएगा. ओके बट अगर कोई दूसरा आइटम रहता है गलत आइटम है वो आपको नहीं जाएगा. ओके मतलब जो इल्लीगल आइटम्स रहते हैं वो डायरेक्टली पहले ही मना जाए. टोबैको वगैरह भी बंद रहेगा. ओके अगर कोई मेडिसिन वगैरह भेजना चाहे तो मेडिसिन भेजने के लिए आपको क्योंकि मेडिसिन तो सबसे ज्यादा जाता है मुंबई में. बराबर मुंबई में अभी लॉकडाउन में जितने लोग बाहर फंसे थे सब लोगों ने मेडिसिन ही भेजा है क्योंकि हर किसी को मेडिसिन की जरूरत पड़ती है. ओके नॉर्मली आप मेडिसिन के लिए सिर्फ डॉक्टर का एक प्रिस्क्रिप्शन लगता है जो डॉक्टर लिख के देता है और मेडिकल से जो आप दवाई लेते हो उसकी एक बिल लगेगी और कुछ नहीं लगता हो जाएगा. ओके और जो अभी जैसे हमारे मैन्युफैक्चरर होलसेलर है जैसा कोई कपड़े वाला है तो अभी जैसा 100 किलो 50 किलो या 10 किलो 20 किलो तो उसके लिए कुछ प्रोसेस क्या रहता है. कपड़ा मतलब ब्रांडेड नहीं होगा नॉर्मल ब्रांड का होगा. कोई भी कपड़ा रहे अगर आपका कपड़ा भेज रहे हो कहीं भी किसी भी कंट्रीज के लिए चाहे डोमेस्टिक आप भेज रहे हो या इंटरनेशनल आपको डॉक्यूमेंट्स लगता है. वो डॉक्यूमेंट्स हम लोग खुद बना देते हैं आपको. okay. कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा और प्लस रेट भी आपको जैसा वेट स्लैब होता है उसमें आपको रेट भी पूरे मतलब आपको मैं बता रहा हूँ मुंबई के अंदर अच्छी सर्विस के साथ रेट आपको अच्छी मिलेगी. प्लस ब्रांडेड सर्विस हम लोग यूज करते हैं DHL हो गया FedEx हो गया ये यूज करते हैं हम लोग. ये ब्रांड को आप यूज करते हैं इंटरनेशनल के लिए. मैं आपको सबसे पहले पार्सल दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी कंट्री. ये तो अपना डोमेस्टिक या वारदा के लिए जा रहा है. आप देख सकते हैं कि ये वारदा जा रहा है. ओके
डोमेस्टिक्स के लिए जी, और ये सिंगापुर का एक आपने दिखाया है, सिंगापुर है, आपको इंटरनेशनल शिपमेंट जा रहा है सिंगापुर के लिए। ओके। और नॉर्मली आप बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो हमारे विदेश में बैठे हुए हैं जी, जैसे यूके हो गया और अपना अफ्रीका कंट्रीज के लिए, जो कस्टमर बाहर से शॉपिंग करते, पूरे इंडिया में कहीं से भी आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन में जी, आप बाहर बैठे हुए और आपको एड्रेसेस की भी जरूरत पड़ती है, आपके पास कोई है नहीं, आप हमारे एड्रेसेस पे आप भेज सकते हैं पार्सल। जैसे देखिए ये कस्टमर है, ये यूके में बैठे हैं, संजीव रामेश यूके में बैठे हैं, लेकिन वो मेरे एड्रेसेस पे कुरियर करवा रहे हैं, मतलब वहाँ से बैठे बैठे शॉपिंग करके आपका एड्रेस दे रहे हैं और आप यहाँ से फिर वहाँ माल भेजोगे। मैं यूके यहाँ से पैकेजिंग वगैरह सब फ्री में करके जो नॉर्मल रेट से मैं वही चार्ज करूंगा। हाँ, अभी जैसा ये स्टॉक आपके आके रखा था, आप होल्डिंग का चार्जेस नहीं लेते? होल्डिंग का कोई चार्ज। ओके। और कौन कौन सी कंट्री में जा रहा है? ये भी वारदा जा रहा है, ये डोमेस्टिक है, देख सकते हैं। ये कनाडा का नंबर छुपा दो जरा उसका मोबाइल नंबर। हाँ, ये कनाडा का है और ये भी शायद दोनों एक ही कस्टमर का लग रहा है, एक ही कस्टमर है, कनाडा ही जा रहा है। ओके। और एक और क्या क्या जा रहा है यहाँ पे? ये आपने बैग खोल के रखा है जो, बताइए। ये अपना ये दुबई के लिए शिपमेंट जा रहा है, ये मशीन है, ये मशीन है, दुबई जा रही है, ये इसकी मशीन की वेट ही 60 केजी से। ओके। तो बट ये जा सकती है? ये जाएगी, अभी मैं इसको पैकेजिंग वगैरह अच्छे से करूंगा ट्रॉली बैग में। ये तो डोमेस्टिक है इसलिए ऐसे पैकेजिंग है। ओके। ये देखिए सेम ट्रॉली ये पैकेजिंग है कनाडा के लिए। ओके। तो ऐसी पैकेजिंग होगी। तो अगर मतलब बैग के साथ में भेज रहे तो पैकिंग आप ऐसा बॉक्स पैकिंग करके भेजोगे? बॉक्स पैकेजिंग करके ही भेजना पड़ेगा, बिना बॉक्स पैकेजिंग इंटरनेशनल में जाता नहीं। अच्छा, तो वो भी पूरा फ्री वगैरह है? फ्री में पैकेजिंग। सो गाइस देखिए यहाँ पे आपको मैं स्पेशली अंधेरी की बात करूँ तो एयर इंटरनेशनल कुरियर कार्गो सर्विस में आपको डोमेस्टिक का पहला भरपूर फायदा उठा लेना कि डोमेस्टिक यहाँ पे 35 रुपीज स्टार्ट है, ऐसा तो 40-50 से भी रहता है, लेकिन अगर ज्यादा रहेगा पार्सल तो आपको 35 रुपीज़ का भी रेट लग जाएगा। तो मेरे जितने व्यूवर्स हैं या मेरे होलसेलर मैनुफैक्चर जो मुझसे जुड़े हुए हैं और उनको सस्ते में माल भेजना है डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक के लिए भी इनको याद कर सकते हैं। और इंटरनेशनल भेजना तो इंटरनेशनल में देखिए हर जगह पे इनका पार्सल जा रहा है, तो इंटरनेशनल का पार्सल का प्राइस चेंज होते रहता है या फिक्स प्राइस रहता है? नहीं, इंटरनेशनल का डिपेंड करता है, कभी कम भी होता है कभी ज्यादा भी होता है। Okay. प्लस अगर वेट अगर आपका ज्यादा है तो मैं आपको बढ़िया प्राइस में करके दूंगा, जो आप मार्केट में रेट कंपेयर भी कर सकते हो। अच्छा। आपको मेरा प्राइस आपको सबसे अच्छा मिलेगा। ओके। तो दुबई वगैरह सब जगह का प्राइस सबसे सस्ता कहाँ का पड़ता है? दुबई का पड़ता है, दुबई का पड़ता है आपको। ओके। और प्लस आपको उसके बाद यूके वगैरह ये सब में भी आपको सस्ता पड़ जाएगा। बहुत बढ़िया। सो गाइस अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके का सर का दूसरा वीडियो बनाए तो आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक बार इनका एड्रेस यहाँ पे देख सकते हैं, एड्रेस और नंबर दिया हुआ है एयर इंटरनेशनल कुरियर कार्गो, ये पूरा इनका एड्रेस है और आप विजिट भी कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे बैठे सर्विस मिले, इनकी पूरी सर्विस का फायदा उठाइए, तो फ्री पिकअप एंड ड्रॉप, ड्रॉप मतलब यहाँ पे मुंबई में इनके ऑफिस का ड्रॉप तक का भी कोई चार्जेस नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप किसी कुरियर वाले को देते हैं तो पिकअप का भी चार्जेस लेता है दोस्तों और पैकिंग का भी लेता है, बट यहाँ पे वो चीज नहीं देखने को मिलेगी। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, सो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।